Hey guys, welcome back to my channel. आज हम आए हैं in the most beautiful neighborhood of Paris, the Montmartre. और इस समय हम हैं बेसिलिका में. So let's go ahead and explore this place. सीक्रेट हार्ट ऑफ बेसिलिका, जो कि पेरिस में काफ़ी जगह से देखा जा सकता है, मॉन्टमार्टे नेबरहुड में स्थित है, जिसे पेंटर्स नेबरहुड भी कहा जाता है. सीक्रेट हार्ट ऑफ बेसिलिका ऑफ मॉन्टमार्टे को फ्रेंच में बेसिलिक दू सेक्रे कोर भी कहा जाता है और ये पेरिस की रिलीजियस बिल्डिंग्स में से एक है. ये मॉन्टमार्टे के टॉप पर एक 427 फीट ऊंचे हिल पर बना हुआ है और यहाँ से शहर का ज़बरदस्त व्यू आता है. पेरिस सिटी का सबसे यंगेस्ट चर्च होने के बावजूद सेक्रे कोर सिटी का दूसरा सबसे ज़्यादा विजिटेड चर्च है और इसके साथ ही फेमस नोट्रडैम कैथेड्रल के बाद पेरिस की दूसरी सबसे फेमस जगह है. इसे रोमन बाइजेंटाइन स्टाइल में बनाया गया है और ये अपने आइकॉनिक वाइट टूम के लिए जाना जाता है. बेसिलिका हर दिन सुबह 6 बजे से शाम के 10:30 बजे तक ओपन रहती है. यहाँ पे एंट्रेंस फ्री है और ग्रुप विजिट्स के लिए रिजर्वेशन रिक्वायर्ड नहीं है. अगर आप सेक्रे कोर के डोम के टॉप तक जाना चाहते हैं तो आपको करीब 300 स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे और वहाँ से आपको पेरिस सिटी का बहुत ही सुंदर 360 डिग्री व्यू देखने को मिलेगा. तो हम लोग वैसे बेसिलिका से वॉक करते हुए हम यहाँ नीचे की तरफ आ गए और यहाँ पे भी थोड़ा एकदम जो आसपास की बिल्डिंग्स है ना, वहाँ पे थोड़ा मिडीवल टाइप की फीलिंग आ रही है. तो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है यहाँ पे जो व्यू है. और बी प्रिपेयर टू वॉक अ लॉट, सो मेक श्योर कि आप कंफर्टेबल शूज़ पहन के आएँ. हील्स वगैरह तो बिल्कुल ही मत पहन के आना, बिकॉज हालत ख़राब हो जाएगी यहाँ पर. अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि मॉन्टमार्टे नेबरहुड पेरिस की काफ़ी फेमस जगह है, ये तो आप अब तक समझ ही गए होंगे. यहाँ एक से एक खूबसूरत स्ट्रीट्स और कैफ़ेज़ हैं, तो यही कारण है कि ये जगह ज़्यादातर क्राउडेड भी रहती है. तो अगर आप बिना भीड़ भाड़ के शांति से इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और बिना फ़ोटो बॉम्ब के कुछ पिक्चर्स भी क्लिक करना चाहते हैं, सो द बेस्ट टाइम इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग. मुझे ऐसा लगता है कि मॉन्टमार्टे को एक्सपीरियंस करने का बेस्ट तरीका है टू एक्सप्लोर इट बाय वॉकिंग. कोई मैप नहीं, कोई गाइडेड टूर नहीं. यहाँ की हर स्ट्रीट काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी डिफरेंट है. सेक्रे कोर से जब आप वॉक करके थोड़ा आगे निकलेंगे तो आप एक और क्यूट सी स्ट्रीट पर पहुँचेंगे जो इंस्टाग्राम पिनट्रेस्ट पर छाई रहती है. इसी स्ट्रीट पर आपको दिखेगा आइकॉनिक इंस्टाग्राम फेमस ला मेज़ोन कैफ़े. आपको जान के हैरानी होगी कि इस स्ट्रीट पर आज की डेट में जितने भी घर हैं वो सभी 1930s के बने हुए हैं. ला मेज़ोन पेरिस की सबसे फोटोग्राफ जगह है. ये क्यूट लिटिल पिंक कैफ़े हमेशा ही क्राउडेड रहता है, क्योंकि यहाँ आके एक परफेक्ट पिक्चर क्लिक करना तो सबकी बकेट लिस्ट में होता है. अगर आप अपनी पेरिस की ट्रिप प्लान कर रहे हैं या इस समय पेरिस में हैं तो आई हैव अ वेरी स्पेशल टिप फॉर यू. पेरिस में काफ़ी ऐसी हिडन और काफ़ी खूबसूरत स्ट्रीट्स हैं जो आपको किसी भी पैकेज या आइटनरी में नहीं मिलेंगी. तो प्लीज़ पेरिस की इन सबसे खूबसूरत इंस्टाग्रामेबल स्ट्रीट्स को विज़िट करना ना भूलें. मैंने अपनी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, सो प्लीज़ डू चेक इट आउट.